एक एक ईमानदारी से इस देश के भविष्य के लिए पूरे विश्व मेरे भारत को जाने, इसके लिए हम इस प्रयास करते हैं। और मैं अभी भी 26 जनवरी को इतना बड़ा काम रहता है, सबको मालूम है, उसके बाद भी मैं 25 तारीख को फ्रांस के राष्ट्रपति को राजस्थान की गलियों में घुमा रहा था। मैं दुनिया को पता चले कि मेरा राजस्थान ऐसा। आदरणीय सभापति जी, हमने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम लिया जिसकी विश्व में एक मॉडल के रूप में चर्चा हो रही है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की जो सफलता है ना, उसमें 80% भूमिका मेरे राज्यों के सहयोग की है। राज्यों ने जो सहयोग किया है, उन्होंने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की मेरी भावना को समझा है। आज उस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को आगे बढ़ाने के लिए 80% ताकत राज्यों से मिल रही है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के अफसरों से मिल रही है, और जो राज्य वो राज्य की औसत में भी आखिरी पायदान पे खड़े थे, वो आज नेशनल एवरेज के साथ कंपटीशन करने लगे। ये डिस्ट्रिक्ट कभी पिछड़ी डिस्ट्रिक्ट माने जाते थे, ये सबका सहयोग से हो रहा है। और इसलिए हमारे कार्यक्रमों की रचना ही सबको साथ लेकर के चलने की है और मिल करके देश के भविष्य को बनाने की है। आज देश का हर कोना, हर परिवार विकास के फल प्राप्त करे, ये हम सबका दायित्व है और हम उसी दिशा में जाना चाहते हैं। हम हर राज्य को उसका पूरा हक भी देना चाहते हैं। लेकिन मैं आज एक अहम मुद्दे पर मेरी पीड़ा व्यक्त करना चाहूंगा। आदरणीय सभापति जी, एक राष्ट्र हमारे लिए सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, हम सबके लिए एक इकाई ऐसी है जो प्रेरणा देने वाली इकाई है। जैसे शरीर होता है, शरीर में जैसे अंगांगी भाव होता है, अगर पैर में कांटा लगे तो पैर ये नहीं कहता है, हाथ कभी नहीं सोचता है कि मुझे क्या पैर को कांटा लगा है, पैर पैर का काम करेगा, पल भर में हाथ पैर के पास पहुंच जाता है, कांटा निकालता है, कांटा पैर को लगता है। आंखें नहीं कहती कि आंसू मैं क्यों बहाऊं, आंसू आंख से निकलते हैं। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में दर्द हो तो पीड़ा सबको होनी चाहिए। अगर देश 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 का एक कोना, अगर शरीर का एक अंग अगर काम नहीं करता है तो पूरा शरीर अपंग माना जाता है। शरीर जिस प्रकार से, अगर देश का भी कोई कोना, देश का कोई क्षेत्र विकास से वंचित रह जाएगा तो देश विकसित नहीं हो सकता है। और इसलिए हमें भारत को एक अंगांगी भाव से देखना होना चाहिए, उसको टुकड़ों में नहीं देखना चाहिए। जिस प्रकार से इंदौर भाषा बोली जा रही है, देश को तोड़ने के लिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए नए नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं, एक पूरी सरकार मैदान में उतर करके भाषा गढ़ रही है, इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य क्या हो सकता है? आप मुझे बताइए, झारखंड का कोई आदिवासी बच्चा अगर ओलंपिक के खेल के अंदर जाकर के मेडल लेके आएगा तो क्या हम ये सोचते हैं कि तो झारखंड का बच्चा है? पूरा देश कहता है हमारा देश है। जब एक झारखंड के बच्चे में प्रतिभा देखते हैं और देश हजारों लाखों रुपया खर्च करके उसको अच्छे कोचिंग के लिए दुनिया के किसी देश में भेजता है तो हम ये सोचेंगे कि खर्चा झारखंड के लिए हो रहा है, कई देश के लिए नहीं हो रहा है? हम क्या करने लगे हैं, क्या भाषा बोलने लगे? इस देश का गौरव, हमारे यहां वैक्सीन, देश के करोड़ों लोगों को वैक्सीन का, हम ये कहेंगे वैक्सीन तो उस कोने में बनी थी इसलिए हक उनका है, देश को नहीं मिल सकती, कैसा सोच सकते हैं? वैक्सीन उस शहर में बनी थी इसलिए देश के और भागों को इसका लाभ नहीं मिलेगा, ये सोचेंगे क्या? क्या सोच बन गई है? और एक राष्ट्रीय दल के अंदर से ऐसे विचार आए, ये बहुत बहुत दुखद की बात है।